हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज़। आज मैं आया हूँ सिमरई। सिमरई में गांव क्षेत्र में भी अब कोरोना भाग के आ गया है, शहर से निकल के गांव में आ गया है। लेकिन गांव सिमरई में आप इनसे आप देख लीजिए, ये बाबा जी हैं, इनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है। बाबा, आपका मास्क कहाँ है? ये कहाँ है? आप देख सकते हैं, जब NM न्यूज़ आया तो उनका मास्क आ गया घर से। लेकिन यहाँ पर कहीं पर से अगर देखा जाए तो प्रशासन भी तो लूज तो नज़र आ रहा है ना। कल गांव में कोई भी प्रशासन अगर यहां पे घूमे और लोगों को अनाउंस करके ये जागरूक करवाए कि लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी है और 2 गज की दूरी, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अभी इसमें खड़ा हूं सामुदायिक में। यहां पे 16 गांव आते हैं इसमें, और लेकिन यहां भी देखा जाए तो सामुदायिक में भी कोई सफाई नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं भाई, आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड आप देख सकते हैं, पूरी दशा दिखा रहा है आपको सरकारी विकलांग। जिस तरह समुदाय की सुरक्षा और सफाई को लेकर अगर तैयार कार्य होना चाहिए वो आपको नहीं दिखेगा इस कोरोना काल में। सफाई का ध्यान को भी एक स्वास्थ्य केंद्र में जहां पे लोग आते हैं, मरीज आते हैं, इनका हाल क्या होगा जब यहाँ से आते हैं, क्योंकि गंदगी का रेट लगा है। ये देख सकते हैं, आपको मैं खिड़की दिखाना चाहता हूँ, कोई सैनिटाइजर या कहीं पर से दूरियाँ कहीं पर से नहीं, आप देख सकते हैं। दूर खड़े हो लोग तो सामने देख के बोलेंगे दूर खड़े हो। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ कोविड को लेके कुछ है। अब मैं आपको सिमरई दिखा रहा हूँ, सिमरई का सामुदायिक, और यहाँ मैं सिमरई सामुदायिक में इसमें एंट्री कर चुका हूं, और यहां अभी तक कोई डॉक्टर का अगर हम केविन देखना चाहते हैं क्या है, लेकिन डॉक्टर हमें नहीं लगता है। शायद भैया जी बैठे हैं, आप देख सकते हैं सामुदायिक क्या, जहां पे कोरोना काल इतना क्षतिग्रस्त पहुंचा है वहां पे डॉक्टर साहब की कुर्सी खाली है। जहाँ पे इनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है इस कोरोना काल में, अभी तक वो भाई साहब उपस्थित नहीं है, डॉक्टर साहब, कि ये कोविड के जो इंजेक्शन लगना है वो कैसे लगेंगे। अब यही लोगों से पूछते हैं कब तक आते हैं डॉक्टर साहब। इसमें आपको बता दें 12 या 12:30 बजा होगा, लेकिन डॉक्टर ये कहा है भैया, डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर साहब की ड्यूटी लगी है कोविड-19 में। कहाँ लगी? गोला में। लेकिन यहाँ भी तो 16 घर आते हैं, 16 गांव हैं यहाँ पर। अच्छा, तो डॉक्टर का तो होना ज़रूरी है ना? नहीं, क्योंकि वो वहाँ यहाँ डॉक्टर साहब अकेले पड़े हैं ना, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी है वहाँ गोला में। अच्छा, हाँ। मैं सीमो जी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिमरई का दौरा करें तो आप सिमरई में देखिए कि एक भैया जवान है जो यहाँ पे जिस हिसाब से टेबलेट देना हो वो भी टेबलेट आप देख सकते हैं, लाल पीली नीली जो भी दवाइयां हैं वो बेचारे उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर का यहाँ पे अगर देखा जाए किसी प्रकार, और कोविड को लेके कुछ यहाँ पे वैक्सीन वगैरह, वैक्सीन इसकी हम जानकारी नहीं आपको बता दें, यहाँ वैक्सीन की कोई भी जानकारी भैया नहीं दे पा रहे, खाली वो नीली पीली गोलियों को वितरण कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें सिमरई में किसी प्रकार के डॉक्टर का जो है वो कोई भी नहीं है। आज मेरा दौरा था सिमरई का, क्योंकि मैं यहाँ बता दूँ कि 16 गांव आते हैं सिमरई में, और जो एक मेन ऐसा ही प्राथमिक है इसी से गांव वाले आके इलाज करवाते हैं अपनी वैक्सीन, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। कई बार आप देख रहे हैं कोई दूरी नहीं है। हेलो मैम, आप यहाँ पे टीका करवाती हैं? क्या डॉक्टर का कोई टाइम है? हाँ सर, टाइम उनकी ड्यूटी लगी वहाँ गोला में। लेकिन ये 16 गांव आते हैं, आपको पता होना चाहिए 16 गांव के अंदर डॉक्टर को तो यहाँ पे एक होना ज़रूरी है। वैक्सीन कैसे लगती है कोरोना की? वैक्सीन सर यहाँ इस समय नहीं लगती, प्रधान में लग रही है सर यहाँ। अच्छा। इस समय टीकाकरण खाली ये वाला होता है, BHND वाला। अच्छा अच्छा, कोविड की कोई व्यवस्था नहीं? कोविड की प्रधान में लग रही है इस समय। अच्छा, आप देख सकते हैं इस समय मैं समरे में खड़ा हूँ,
यहाँ पर मैम से मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि टीकाकरण जो है वो बच्चों वाला लग रहा है, लेकिन कोविड को लेके कोई हाल नहीं है। यहाँ कोविड को लेके कोई है नहीं? क्या वैक्सीन वगैरह लगती है? हाँ लगी थी अभी थोड़े दिन पहले। कब लगी थी? लेकिन आपको पता है गांव में भी कोरोना भागा है। हाँ हाँ, शहर से गांव में। हाँ, मेरे गांव में भी है। तो इसमें आप लोग क्या अपने पर कर रहे हैं सावधानी? हम लोग मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं। लेकिन हमें आपके गांव में तो गांव से नहीं, हम अपने घर पे अपना। ठीक है, यहाँ पे बिटिया ने बताया कि जो हमसे सुरक्षा हो, क्या यहाँ पे डॉक्टर इसी से वास्ते आते हैं? हम पिछली बार यहाँ पे ज़्यादा आते ही नहीं हैं। अच्छा, ठीक है। आप कोई समस्या बताना चाहते हैं यहाँ की? हमारे तो कभी कभार समस्या यहाँ समुदाय को लेकर बैठना, मैं तो कभी कभार दवाई लेने। चलिए, कभी कभी करते हैं माता जी को। और मामला आज मैंने इसको देखा तो मैं भी हैरान हो गया इस समुदाय में आके, क्योंकि कहीं पर से अगर देखा जाए तो कोविड को लेके यहाँ पे समुदाय में कहीं पर से बता, क्योंकि 16 गांव आते हैं। आपको पता 16 गांव में जहाँ पे आते हैं वहाँ खुद डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं है, ये हाल है। और सीमो जीप की कोई भी यहाँ ऐसा नहीं कि वो जाँच करके यहाँ पर दौरा करें और देखें। और कुछ सज्जन व्यक्ति हैं, मैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ। हाँ भाई साहब, क्या है इस समुदाय का हाल? नमस्कार सबको करता हूँ। सबसे पहले ये है कि ये जो हमारा PSC है यहाँ पे लगभग 16, जैसा बता चुके हैं, 16 गांव को जोड़ता हुआ ये हमारा अस्पताल है जी। और एक तरफ जहाँ पे सरकार कह रही कि झोला छाप से हमको इलाज भी नहीं करानी है, दूसरी तरफ यहाँ की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त उस तरीके की नहीं है जो, और हर घर में आज की डेट में हर घर में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कोई बीमार नहीं, दो चार बीमार पड़े हुए हैं, चाहे वो बुखार से हो, खांसी है, जुकाम जो नॉर्मल वायरल चल रहा है। और यहाँ पर जब आते हैं तो नॉर्मल कोई इस तरीके के डॉक्टर भी नहीं है जो ट्रीटमेंट उस तरीके से ऑब्जर्वेशन करें या देखें या इलाज करें। तो कहना यही है कि अगर एक तरफ जो हम लोगों को सरकार कह रही है कि झोला छाप से हमको इलाज भी नहीं करानी है, दूसरी तरफ डॉक्टर नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ यहाँ की व्यवस्था भी उस तरीके की। वैक्सीन को लेकर आप कुछ बताना चाहते हैं? वैक्सीन को लेकर यह है कि अभी हम खुद एक दो बार विजिट कर चुके हैं यहाँ पे, हमारे ताऊ जी और पापा जी को वैक्सीन लगाने के चक्कर में आए हैं, तो यहाँ पे हमने जानकारी ली तो कोई जानकारी नहीं मिली कि यहाँ पे वैक्सीन लगेगी। यहाँ पे एक वो बच्चा बैठा है, वही लाल पीली दवाई बस वही सेम वही फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है। लेकिन देश में इतनी बड़ी महामारी चल रही है, हर आदमी परेशान है, समस्या से जूझ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई तैयारी नहीं, हमारे क्षेत्र में कोई उस तरीके की व्यवस्था नहीं है जी। देखिए, अभी हम यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि सिमरई में 16 गांव आते हैं और 16 गांव के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कहीं पर से डॉक्टर तो है ही नहीं, और प्लस जो आपको बताने के बुखार जाड़े और इसकी दवाई चाहिए वो भी नहीं है, अगर हैं तो लाल पीली गोलियां रखी हैं, वो भी गांव का एक लड़का बैठा है उसे वही दे रहा है, उसको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये डिफ्सिरिन है या जो क्रोसिन है, वो अजर्रा गोली दे रहा है बाबा जी से। और बाबा जी, क्या सामुदायिक में कोई हाल बुरा है? हमारे यह दर्द होते हैं। अच्छा, तुम्हारा दर्द होता है। और कोई डॉक्टर? और आपको बता, आज मेरी पेशकश हरिओम मिश्रा के द्वारा हुई और मैं इनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो भी हमारे गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी में एक युवा नेता है, क्योंकि वो ऐसे चीज़ करते रहते हैं और जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। उन्होंने आज ये दौरा हमें करवाया खुद आके समुदाय समय। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो सरकार को और सीमो को, क्योंकि ये सीमो से रिलेटिव है, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मूलभूत समस्याओं को उठाया। ये हमारा गांव है, हमारा गांव पड़ता है सकेथू जी जी, उसके विकास क्षेत्र में आता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 16 गांव जोड़ता है। क्या इनसे पूछ लीजिए क्या 16 बेड हैं इसमें? ऑक्सीजन मिलती है, अगर इमरजेंसी हमें हो जाए तो ऑक्सीजन यहाँ मिलेगी। सही है, वैक्सीन लगती है क्या यहाँ पे? सफाई है, डेंगू मलेरिया चल रहा है, मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पे? नहीं है। अब आपको दिखा दें यहाँ की डस्टबिन, देखिए। देखिए, मैंने हरिओम का साथ पकड़ा है और मिश्रा जी यहाँ भर से साफ नहीं हुई होगी। आप यहाँ की डस्टबिन देख लीजिए, आप ये भूरी भरी पड़ी है, महीने भर से ज़्यादा हो गया होगा, डस्टबिन नहीं साफ हुई है। और आपको बता दें कि हरिओम ने जिस हिसाब से, और यहाँ पे सफाई के नाम पे सिर्फ 10 रुपए वाला साबुन रखा है लाइफ बॉय, आपको दिखा दें, आइए आइए आइए, यहाँ पे बस एक बाल्टी में पानी रखा है और 10 रुपए का लाइफ बॉय साबुन रखा है सफाई के नाम पे, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रखा हुआ है। आप जरा इनसे पता कीजिए कि यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको हाथ सैनिटाइजर करा दिया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा,
पूछिए। अगर यहाँ पे हरिओम ने ये देखिए ये अंदर की हो ये देखिए आप देख सकते हैं हरिओम ने अंदर का हाल है। आप ये देखिए इसको आप थोड़ा बॉक्स को दिखाइए जहाँ पे लिखा है कृपया बिना मास्क लगा के अंदर प्रवेश ना करें सोशल डिस्टेंस, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और हरिओम जी अपने दिल का हाल कुछ बताना चाहते हैं सरकार को? सरकार को क्या ये जो मूलभूत सुविधाएं जनता को वो उपलब्ध कराई जाएं। हमारे बेचारे बुजुर्ग बाबा जी हैं वो खुद कह रहे हैं कि एक महीने से डॉक्टर साहब नहीं आए यहाँ पे। क्या 16 गांव यहाँ पे यहाँ आएंगे 16 गांव के लोग हॉस्टल देख के ठीक होके चले जाएंगे? सही बात। क्या उनको डॉक्टर कंपाउंडर नहीं मिलना चाहिए? और हमारे CMO साहब बराबर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ पूरी सुविधाएं हैं पूरे ज़िले में हम लोग बहुत बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं। क्या यही बेहतर व्यवस्थाएं हैं जो आप देख रहे हैं? जी जी। अब बाकी देखिए ये बाबा जी हैं ये शायद अपना कुछ दुख बताना चाहते हैं। और बाबा जी क्या आपकी समस्या है? क्या डॉक्टर आते हैं नहीं आते? डॉक्टर एक महीना है कोई मरे नहीं आया वो है। अच्छा एक महीना हो गया डॉक्टर नहीं आए। हाँ हाँ। आपको कभी यहाँ पे आना होता है तो किससे दवाई लेते हैं? बहुलंडा बैठा थे वो हरी पीली जो बेच रहा। हाँ। अच्छा अच्छा आप देख सकते हैं सिमरी का मैं थोड़ा बाहर का भी नज़ारा दिखा दूँ कि यहाँ पे सफाई को लेके रोडों की नालियों को लेके, लेकिन यहाँ प्रधान भी सख्त नहीं लग रहा है मुझे। आप देख सकते हैं जंगल पड़ा है पूरा फॉरेस्ट विभाग, इसको तो सामुदायिक छोड़ के फॉरेस्ट विभाग बना दें क्योंकि यहाँ पे हरिया देखिए पूरा फॉरेस्ट विभाग है, गंदगी का कोई भी यहाँ पे नहीं है। आज पेशकश थी हरिओम मिश्रा ने आज मुझको यहाँ पे बुलाया और मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप इस हिसाब से देखिए। आज मैं आया था सिमरई में डॉक्टर की जो ढीलापन है वो आपको मैंने दिखाया क्योंकि यहाँ डॉक्टर तो कई महीनों से आ नहीं रहे हैं, आराम से अपना आराम कर रहे हैं। और कहीं पर से यहाँ पे जो कंपाउंडर हमें दिखना चाहिए कंपाउंडर भी वो नहीं लग रहा था, वो गांव का कोई लड़का रखा गया है लाल पीली गोली देने में। जब मैंने उससे पूछा तो कह रहा है कि डॉक्टर तो यहाँ नहीं आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिमरई में काफ़ी बुरा हाल है, गाँव क्षेत्र से लोग बिना मास्क यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं। मैं नरेंद्र कुमार दी कैमरामैन लकी के साथ सिमरई। जय हिंद।